सऊदी अरब में फंसा एक युवक शुक्रवार को उदयपुर पहुंचा। उसने बताया कि जिस जगह वो फंस गया था उससे लगता था कि कभी वतन वापसी नहीं हो पाएगी। आज मैं अपने घर आ गया हूं। ये बात उदयपुर जिले के भिंडर के पास बांसड़ा के रहने वाले सुरेश जटिया ने कही। सुरेश उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसके परिजनों की आंखें भर आई। युवक को देखते ही उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। युवक ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का आभार जताया। उसने कहा कि उनके कारण ही वो वापस आ पाया है। एयरपोर्ट पर उदयपुर के पूर्व मेयर चंद्र सिंह कोठारी, भाजपा नेता देवीलाल सालवी, देवेंद्र जावलिया, पंचायत समिति सदस्य भरत कुमार व्यास, पूर्व सीएमएचओ दिनेश खराड़ी आदि के साथ विदेश मंत्रालय की पूरी प्रक्रिया में लगे एलडी शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सिंह समीचा मौजूद रहे। ट्रक चलाने वाला सुरेश काम के लिए विदेश गया था, लेकिन उसे एजेंटों ने वहां फंसा दिया। जहां काम दिलाया वहां उसके साथ काम के अनुसार पैसा नहीं देने से परेशान किया जा रहा था। उसने वहां से काम छोड़कर दूसरी जगह काम कर लिया। पहले मालिक ने सुरेश पर केस कर दिया, उससे सऊदी की करेंसी में 20,000 रियाल की मांग की। यह इंडियन करेंसी में लगभग 4.5 लाख रुपया होता है और 3 महीने जेल में रहना पड़ा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी ने सुरेश को यहां लाने के प्रयास शुरू किए और विदेश मंत्रालय तक पूरी बात पहुंचाई। इसके बाद वहां की सभी औपचारिकताएं पूरी कर सुरेश को भारत लाया गया। ये कहानी सऊदी अरब में 36 महीनों से फंसे उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक के बांसड़ा गांव के सुरेश जटिया की है। सुरेश वहां गया तो कमाने के लिए था, लेकिन वो वहां फंस गया, लेकिन अब वो अपने परिवार के पास वापस आ गया है। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और एमएलएसयू उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बीए, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएसटीसी, एमए, एमएससी, एमकॉम। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।